नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यदेव गंधर्व और आप देख रहे हैं एचडी ऑनलाइन शाला। दोस्तों, पूर्व में छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण जो हम लोग किए थे, उसी में से चिन्हांकित परिवारों का हमें सत्यापन कार्य भी करना है। दोस्तों, सत्यापन का कार्य ऑनलाइन सीजीसीएस वेरिफिकेशन ऐप के माध्यम से करना है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि सीजीसीएस ऐप को कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे इसका यूज़ करना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं। प्ले स्टोर को ओपन करने के पश्चात आपको सर्च बार पे इस तरह से टैप करना है और यहाँ पे सर्च करना है CGSS CGSS ES। इसके पश्चात टाइप करना है वेरिफिकेशन, ये इस तरह से। इसके पश्चात सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो पहला नंबर पर देख सकते हैं CGSS वेरिफिकेशन ऐप कुछ इस तरह से शो होगा। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात यहाँ पे देखिए इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन कुछ इस तरह से इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, CGSS वेरिफिकेशन ऐप मात्र 6.14 MB का है और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए आपके मोबाइल का वर्जन होना चाहिए कम से कम एंड्रॉयड 5.0 या उससे ऊपर का भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि कितना इंस्टॉल हो चुका है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 73% हो चुका है। थोड़ी देर हम और वेट कर लेते हैं। फाइनली दोस्तों, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया है। चलिए अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, ये देखिए, सॉरी, ओपन कर लेता हूँ। जैसे आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो इसका फर्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 सत्यापन, कृपया एप्लीकेशन परमिशन ऑन करें। तो यहाँ पे चार परमिशन दिया गया है। सबसे पहले हम इसे अलाउ कर देते हैं। तो सबसे पहले कैमरा पे क्लिक करेंगे, अलाउ। इसके बाद लोकेशन, इसे भी अलाउ करेंगे। स्टोरेज, अलाउ। और फाइनली फ़ोन, इसे भी अलाउ कर देते हैं। इसके पश्चात हमें आगे बढ़े पर क्लिक करना है। आगे बढ़े पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से मोबाइल का स्क्रीन ओपन हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल नंबर भरें। यहाँ पे प्रगणक एक अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिल करेगा। इसके पश्चात लॉगिन करें पर क्लिक करना है। लॉगिन करें पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में एक OTP प्राप्त होगा। उस OTP को हमें यहाँ पर फिल करना है। OTP फिल करने के पश्चात आप इसमें बड़ी आसानी से लॉगिन हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं प्रगणक का मोबाइल नंबर फिल करके लॉगिन करें पर क्लिक कर लेता हूँ। चलिए, यहाँ पे मैं लॉगिन पर क्लिक कर लेता हूँ। प्रोसेसिंग हो रहा है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आ गया OTP का ऑप्शन। तो यहाँ पे चलिए हम OTP फिल कर देते हैं। OTP फिल करने के पश्चात हमें लॉगिन पर क्लिक करना है। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, स्क्रीन में टॉप लेफ्ट साइड में है सेटिंग का ऑप्शन। चलिए हम इसे ओपन करके देखते हैं। इसमें है दोस्तों, क्लियर कैसे संपूर्ण परिवार का डाटा डिलीट करें। तो इसे हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है, अदरवाइज पूरा डाटा डिलीट हो जाएगा। फिलहाल हम यहाँ से आ जाते हैं बैक, और टॉप राइट साइड में देखिए लॉगआउट का ऑप्शन, यहाँ से आप लॉगआउट हो सकते हैं। और यहाँ सेंटर में दिया हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 सत्यापन, और देख सकते हैं यहाँ पर है आवंटित ग्राम हाड़ाहुली, जिसका हमें सत्यापन करना है। तो हमें इस ग्राम के लिए सत्यापन करने के लिए 80 परिवारों की सूची मिला है, जो कि इस 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। पहला है दोस्तों NR। NR का मतलब है यहाँ पे आवासहीन की सूची दिया गया है। तो जैसे कि मैं इसे ओपन करता हूँ तो देखिए दोस्तों, आवासहीन में सिर्फ एक ही यहाँ पे नाम दिया गया है, एक ही परिवार है। इसके पश्चात हम बैक आते हैं। दूसरा है 01 CR, ये दोस्तों एक कच्चा कमरा वाले परिवारों की सूची। तो इसे हम ओपन करते हैं। तो इसमें देख सकते दोस्तों, इस तरह से बहुत सारे परिवार हैं। तो इसका हमें सत्यापन करना है। सत्यापन करने के पश्चात यहाँ पे दोस्तों सत्यापित डेटा लिस्ट में ये आ जाएगा, जिसे हमें लास्ट में सिंक भी करना है। जब तक हम सिंक नहीं करेंगे ये डाटा आगे अपलोड नहीं होगा। चलिए यहाँ से हम आते हैं बैक। और थर्ड ऑप्शन है 02 CR, ये दोस्तों दो कच्चे कमरा वाले परिवारों की सूची। इसमें दोस्तों कुछ परिवार हैं इस तरह से, तो कुल 80 परिवार इन 3 भागों में बटा हुआ है, NR, 01 CR और 02 CR। और अंतिम ऑप्शन है सर्वर में सिंक हो चुके डाटा की जानकारी। तो
तो आप जिस भी परिवार के डाटा का सत्यापन करेंगे वो परिवार सत्यापित होने के पश्चात सबसे पहले यहाँ जाएगा सत्यापित डेटा लिस्ट में। इसके पश्चात जब आप उसे सिंक कर देंगे तो यहाँ से भी आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम एक परिवार लेते हैं सत्यापन करने के लिए। जैसे कि चलिए हम 01CR ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए है परिवारों की सूची 01CR। या तो आप परिवार की सूची यानी कि राशन कार्ड को यहाँ से आप इस तरह से सर्च कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट राशन कार्ड नंबर यहाँ पे एंट्री करके सर्च कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए, डेमो के लिए पहला नाम ले लेते हैं। देखिए दोस्तों इस तरह से ओपन हो गया परिवार की जानकारी। यहाँ से आप मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते, राशन कार्ड नंबर भी चेंज नहीं कर सकते, आधार नंबर भी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ACC 2011 नंबर यदि नहीं लिखा हो तो आप इसे ज़रूर एंट्री करें। इसके पश्चात पहला सेक्शन आता है सामान्य जानकारी की। तो इसमें है देखिए परिवार में दुपहिया वाहन, यदि परिवार में दुपहिया वाहन है तो दो ऑप्शन है और नहीं का। यदि है तो है पे टिक करना है और नहीं है तो नहीं पे टिक करना है। इसी प्रकार परिवार में तिपहिया वाहन है या नहीं ये सिलेक्ट करना है, परिवार में चार पहिया वाहन है या नहीं, परिवार में ट्रैक्टर है या नहीं, परिवार में चौपहिया वाहन वाला कृषि उपकरण है या नहीं, परिवार में फ्रिज है या नहीं, परिवार में एयर कंडीशनर है या नहीं। फिर है महत्वपूर्ण ऑप्शन परिवार की कुल भूमि, तो जो भी लागू हो उसे सिलेक्ट कर लेना है, कम या बराबर हो तो पहला ऑप्शन और ज़्यादा हो तो सेकेंड ऑप्शन। इसके बाद है परिवार की कुल सिंचित भूमि, 2.5 एकड़ से कम या बराबर है तो पहला ऑप्शन, 2.5 एकड़ से ज़्यादा परंतु 5 एकड़ से कम तथा एक कृषि उपकरण होने पर दूसरा ऑप्शन, और 5 एकड़ के बराबर या ज़्यादा होने पर दूसरा ऑप्शन। इसके पश्चात पहला सेक्शन का अंतिम यानी कि 10वां ऑप्शन है, क्या परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है, यदि है तो वहाँ पर क्लिक करना है, अदरवाइज नहीं भी क्लिक कर देना है। इसके पश्चात आपको सिंपल आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। आगे बढ़े पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो दूसरा सेक्शन ओपन होगा। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि प्रपत्र में एवं एप्लीकेशन में 4 सेक्शन दिए गए हैं, तो चलिए हम आगे बढ़े पर क्लिक करके देखते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आ रहा है अलर्ट, परिवार में तिपहिया वाहन है या नहीं सिलेक्ट करें। चूँकि मैंने अभी तक कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया है इसलिए आगे बढ़ नहीं रहा है। तो जब तक आप सभी ऑप्शन को कम्प्लीट नहीं कर लेंगे ऑप्शन आगे नहीं बढ़ेगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं जल्दी से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने पूरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। इसके पश्चात चलिए हम आगे बढ़े पर क्लिक करते हैं। देखिए दोस्तों परिवार की जानकारी पेज 0 पे जाए, तो अभी हमने जो पेज कंप्लीट किया है वही यहाँ पे आ रहा है। यदि आप पिछले पेज में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके देखिए, यदि यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो पिछला पेज मेरा ओपन फिर से हो गया। अब यहाँ से हम फिर से आगे बढ़े पर जा सकते हैं। तो इस तरह से आप पिछले पेज में भी डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। फिर सेकेंड सेक्शन है आवास से संबंधित जानकारी, क्या आवास है, दो ऑप्शन है और नहीं का। यदि नहीं है तो नहीं भी क्लिक करना है। यदि आप नहीं सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आएगा देखिए, अगर आवास नहीं है तो वर्तमान में कहाँ रहते हैं, पिता माता भाई बहन के परिवार के साथ या किसी अन्य परिवार के साथ या किसी अन्य स्थान पर। और यदि आप है सिलेक्ट करते हैं तो ये ऑप्शन आएगा, अगर है तो क है, क्या परिवार को किसी आवास योजना का पूर्व में लाभ प्राप्त हुआ है, हाँ या नहीं सिलेक्ट करना है। फिर ख है स्वयं का आवास है तो यहाँ पे है, यदि है सिलेक्ट करेंगे तो फिर से ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। देखिए पहला है स्वयं के आवास की जानकारी, पहला मिट्टी से बनी दीवार वाले कुल कमरों की संख्या 0 से लेकर, यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 या 4 से अधिक का ऑप्शन दिया गया है, तो जो भी ऑप्शन लागू हो उस पर आपको क्लिक करना है। दूसरा है पक्के ईंट की दीवार वाले कुल कमरों की संख्या 0, 1, 2, 3, 4 या 4 से अधिक, तो जो भी लागू उस पर आपको सेलेक्ट करना है। और यदि नहीं है तो नहीं पर क्लिक करना है, नहीं पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो कोई और ऑप्शन नहीं आएगा। तो चलिए यहाँ पे हम नहीं पर ही रहने देते हैं। इसके पश्चात पुनः आगे बढ़े पर क्लिक करते हैं। आगे बढ़े पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अब आ गया परिवार की जानकारी पेज 02 पे जाए, यानी कि आप दूसरे पेज में जा सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट जंप करके। फिर तीसरा सेक्शन है वर्तमान निवास की स्थिति, संयुक्त परिवार का हिस्सा है या नहीं। यदि आप नहीं सिलेक्ट करेंगे तो कोई और ऑप्शन नहीं ओपन होगा, और यदि आप है सिलेक्ट करेंगे तो
तो यहाँ पे इस तरह से और ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। पहला है यदि है तो एक मकान में निवास करते हैं, अलग मकान में परंतु एक परिसर में निवास करते हैं, अन्यत्र निवास करते हैं। दूसरा ऑप्शन है उपरोक्त का विवरण, कुल परिवारों की संख्या 1, 2, 3, 4 या 4 से अधिक, कुल कच्चे कमरों की संख्या 0, 1, 2, 3, 4 या 4 से अधिक, कुल पक्के कमरों की संख्या 0, 1, 2, 3, 4 या 4 से अधिक। इसके बाद है यदि संयुक्त परिवार में हैं तो अन्य परिवारों के राशन कार्ड की जानकारी। तो इसमें चौथा है यदि ये परिवार राशन कार्ड साझा करने हेतु इच्छुक नहीं हैं तो ऐसे परिवारों की कुल संख्या 0, 1, 2, 3, 4 या 4 से अधिक। इसके पश्चात फिर से हमें आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों डेमो के लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, फिर हम यहाँ से नहीं सिलेक्ट करेंगे, इसके पश्चात आगे बढ़े पर क्लिक कर देते हैं। आगे बढ़े पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं अब यहाँ पे आ गया पेज 3 पे जाए, यानी कि डायरेक्ट हम पिछले 3 पेज पे जा सकते हैं। और अब हम हैं चौथे पेज पर, चौथा सेक्शन पे, और ये सेक्शन है शौचालय से संबंधित जानकारी का। तो यहाँ पे देखिए शौचालय है, दो ऑप्शन है और नहीं का। यदि नहीं है तो नहीं पर क्लिक करेंगे। नहीं पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से नया ऑप्शन ओपन हो जाता है। पहला शौचालय नहीं है तो शौचालय कभी नहीं बना, शौचालय बना परंतु अभी जर्जर अनुपयोगी है, पुराने घर में था अब नए घर में नहीं है, पैतृक घर में था अब इस घर में नहीं है। और दूसरा ऑप्शन है वर्तमान में कहाँ उपयोग करते हैं, पैतृक घर में, सार्वजनिक शौचालय, अन्य स्थान पर। और यहाँ पे आपको फोटो का भी ऑप्शन दिया गया है, देखिए फोटो ले में आवास की फ़ोटो ले में, फोटो लेने के लिए यहाँ पर हमें क्लिक करना है। फिर है सत्यापन दल की फ़ोटो, यहाँ पे हमें सत्यापन दल का भी फोटो अपलोड करना है। और अंतिम में उपरोक्तानुसार दी गई जानकारी का भौतिक सत्यापन मेरे द्वारा किया गया, यहाँ पे क्लिक करना है और सुरक्षित करें पर क्लिक कर देना है। और यदि यहाँ पे हम है सिलेक्ट करेंगे, है यदि हम सिलेक्ट करते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आवास की फ़ोटो का ऑप्शन है, सत्यापन दल की फ़ोटो लेने के लिए ऑप्शन है, और है देखिए उपरोक्तानुसार दी गई जानकारी का भौतिक सत्यापन मेरे द्वारा किया गया है। तो इसमें नहीं सिलेक्ट करते हैं तो आपको और ऑप्शन सिलेक्ट करने की आवश्यकता यहाँ पे पड़ेगा, अदरवाइज़ यदि आप है सिलेक्ट करते हैं तो फोटो अपलोड करना है। दोस्तों एप्लीकेशन वाला काम यदि नेटवर्क बराबर नहीं है तो आप फोटो वगैरह खींच करके जो भी उपयोगी है जैसे कि आवास की फ़ोटो, शौचालय की फ़ोटो और सत्यापन दल की फ़ोटो ले करके बाद में भी जब अच्छी नेटवर्क में आप आ जाएँ तब आप ये एंट्री का कार्य कर सकते हैं। और यदि मोबाइल ढंग से काम न करे तो आप हार्ड यानी कि प्रपत्र में भी भर करके बाद में नेटवर्क के क्षेत्र में आने पर यह ऑनलाइन का काम कर सकते हैं, या फिर आप ये सभी कार्य ऑफलाइन इसी एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकते हैं और बाद में जब आप नेटवर्क एरिया में आ जाए तो बाद में सिंक करने का भी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको परिवारों की सूची का सत्यापन करना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।